नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आपके लिए एक ऐसे दिलचस्प और रोमांचक टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया हवा में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को रोकने से परेशान है, जिसकी वजह से हर साल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हमारी पृथ्वी का इकोसिस्टम भी बिगड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा देश है जो दुनिया का इकलौता कार्बन नेगेटिव देश है। जी हाँ दोस्तों, सुन के हैरानी होगी लेकिन ये सच है, और उस देश का नाम है भूटान, और वो पूरी दुनिया को सीख दे रहा है। दोस्तों, हर साल 6 मिलियन टन से अधिक कार्बन को सोख कर भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश बन गया। भूटान भारत और चीन के बीच स्थित एक छोटा सा देश है जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख उत्पादक हैं, और उसके बावजूद भी भूटान पिछले कई सालों से पूर्ण तरीके से कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने में कामयाब रहा है। 7.5 लाख लोगों की एक छोटी सी आबादी के साथ भूटान को दुनिया के सबसे हरे भरे देशों में से एक माना जाता है। भारी भरकम मात्रा में पेड़ लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग जैसी प्रथाओं ने भूटान जैसे छोटे राष्ट्र के लिए इसे संभव बना दिया। अन्य देशों के मुकाबले भूटान ने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP के आधार पर सरकारी नीतियां बनाने का कंसेप्ट को खत्म कर दिया। इसके बजाय उन्होंने देश के सकल राष्ट्रीय खुशी यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस या GNH के इंडेक्स पर अपने फैसले आधारित किए हैं। इन सिद्धांतों को अपनाना भूटान के लिए सफल साबित हुआ है, क्योंकि 2015 के एक सर्वे के अनुसार भूटान की 91% जनता लो, मीडियम या हाई लेवल के रूप में खुश है। भूटान का GNH इंडेक्स सार्वजनिक नीति के निर्माण में प्राकृतिक दुनिया को एक केंद्रीय स्थान देता है, और पर्यावरण की प्रोटेक्शन भूटान के संविधान में एक महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक सिद्धांत है। इस देश का GNH सरकारी नीतियों को अमल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और 4 बुनियादी स्तंभों पर आधारित है, जिसमें से एक पर्यावरण की सुरक्षा है। आइए जानते हैं कैसे एक कार्बन न्यूट्रल राष्ट्र एक कार्बन नेगेटिव राष्ट्र बना। दोस्तों, भूटान के प्रधानमंत्री ने अपने देश को कार्बन न्यूट्रल जोन बनाने का लक्ष्य रखा था। उनका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि भूटान वातावरण में जारी बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड में योगदान नहीं देता है। अपने राष्ट्र को कम से कम 60% फॉरेस्ट क्षेत्र बनाने की उनकी नई पॉलिसी को नागरिकों के बीच अच्छी तरह से स्वीकारा गया था। तब से वो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा रहे हैं। उनके देश में 72% फॉरेस्ट कवरेज के साथ टोटल कार्बन उत्पादन 0 हो गया। भूटान हर साल लगभग 1.5 मिलियन टन कार्बन का उत्पादन करता है, लेकिन अत्यधिक हरियाली के कारण 6 मिलियन टन से अधिक कार्बन को सोख भी लेता है। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद भूटान की प्राथमिकता राष्ट्र को जितना संभव हो सके उतना पर्यावरण के अनुकूल यानी कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना था। जैसे कि पहला, 2009 में कई नई पॉलिसियों की शुरुआत से कार्बन उत्पादन में भारी कमी आई। दूसरा, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जहां ये कहा गया कि फॉरेस्ट क्षेत्र 60% से कम नहीं हो सकते। तीसरा, इसके साथ ही फॉसिल फ्यूल के जलने को कम करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। चौथा, सरकार ने नागरिकों के बीच सैकड़ों इलेक्ट्रिक कारों को बांटने के लिए किसान कंपनी के साथ मिलकर हजारों और लाने का वादा किया। इन कारों को मुख्य रूप से पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों के उपयोग को बंद करने के लिए बांटा गया था। पांचवा, इसके अलावा सरकार ने LED लाइट और बिजली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों की दरों में भी सब्सिडी दी है, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर भी रेट्स कम कर दिए हैं। छठा, साफ भूटान और हरा भरा भूटान अभियान ने पिछले कुछ वर्षों में देश को सुंदर बनाने के लिए कई कदम उठाए। सातवा, सरकार ग्रामीण परिवारों को मुफ्त बिजली देने के लिए कदम उठा रही है ताकि उन्हें खाना पकाने के लिए लकड़ी जलाने की जरूरत ना पड़े। आठवा, सरकार ने भी जल्द ही पेपरलेस होने का फैसला किया है। दोस्तों, भूटान के प्रधानमंत्री ने ये माना था कि उनका देश परफेक्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हर देश की तरह उनका भूटान भी बिना किसी समस्या के नहीं है। इसके बावजूद भूटान की अनोखी बात इस फैक्ट में है कि नागरिकों और सरकारों ने आर्थिक विकास के बजाय पर्यावरण की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बना लिया है। बुद्ध धर्म में पेड़ों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि वहाँ के लोग उन्हें लगाने के लिए उतने उत्सुक रहते हैं। भूटान में लगभग 100 लोगों ने 49,672 पेड़ लगाकर 1 घंटे में सबसे अधिक पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, भूटान में ट्री प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण और फॉरेस्ट कवरेज में कांस्टेंट बढ़ोतरी के साथ सरकार को उम्मीद है कि वे उत्पादित कार्बन को सोखने पर अपनी पोजीशन बनाए रखेंगे। भूटानी सरकार ने यह भी भविष्यवाणी की है कि वे कुछ ही सालों में 100% ऑर्गेनिक खाने का उत्पादन करेंगे और वर्ष 2030 तक 0 वेस्ट का उत्पादन करेंगे, 0 नेट ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन करेंगे और सोलर और विंड एनर्जी को उपलब्ध कराने में बढ़ावा करेंगे। दोस्तों, अब देखते हैं कि बाकी दुनिया में कार्बन उत्पादन कैसा है और पैकेज प्रोडक्ट्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन में बढ़ावा होने के साथ कारखानों से कार्बन उत्पादन में भारी मात्रा की बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि के कारण ओजोन परत में छेद बढ़ते जा रहे हैं, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी पृथ्वी की सतह तक पहुंच रही हैं और जो हमारे शरीर को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाती है। कार्बन के उत्पादन में ग्लोबल वायु तापमान में भी वृद्धि हुई है।
और इस हद तक पोल्यूशन के कारण मनुष्यों में सांस लेने की तकलीफ से लेके हृदय संबंधी समस्याएं तक पैदा हो रही हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, भूटान जैसा एक छोटा सा देश पूरी दुनिया को जो सीख देना चाहता है उसे हम नजरअंदाज ना करें और हमारी सरकारें इस गंभीर समस्या पे कुछ कड़े नियम लागू करें और इस पे जल्द से जल्द अमल किया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।